वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारी फिफ्थ क्लास है और आज की क्लास में हम देखेंगे शेप्स के थ्रू हम पोस्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमने सिंपल पोस्ट डिज़ाइन की थी, उसके बाद हमने फ्रेम्स को लेकर उस पर टेक्स्ट कोटेशंस लिखे थे और PNG इमेजेस अप्लाई की थी। आज हम देखते हैं हम शेप्स के थ्रू पोस्ट को कैसे डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले न्यू टेक्स्ट को डिलीट करेंगे, पेज पर जाके पेज का कलर चेंज करेंगे हम। अब हमने यहाँ प्लस पे जाकर शेप्स पे जाना है। नीचे आपको ये एरो नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जाएंगे आपके पास देखेंगे डिफरेंट शेप्स हैं आपके पास, आप कोई भी शेप ले सकते हैं इसमें से। मैं यहाँ से ये शेप लेती हूँ, उसको सेलेक्ट किया मैंने। अब मैंने शेप का कलर चेंज करना था, थर्ड वाले ऑप्शन में जाऊँगी मैं, यहाँ कलर पर जाके इसको इनेबल करूँगी। यहाँ से मैंने इसका ये कलर रख लिया। अब मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देती हूँ, स्ट्रोक में जाके इसकी विड्थ मैंने ये इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं ये। अब इसके दरमियान में हम टेक्स्ट रखते हैं, लिख लेते हैं। ये टेक्स्ट मैंने लिख लिया है, अब मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करूँगी। टेक्स्ट के कलर को चेंज करते हैं हम। इसको बोल्ड और इटैलिक कर लेती हूँ मैं। ये देखें, इसको मैं इसके अलाइनमेंट एडजस्ट कर लेती हूँ। अब इसके बाद स्ट्रोक में जाके इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने इसको इसकी विड्थ को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। अब मैं एक और शेप लेती हूँ। हम अपनी पोस्ट में जितनी ज़्यादा शेप्स लेंगे उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव पोस्ट बनेगी हमारी। ये मैंने ले लिया, इसके साइज़ में थोड़ा सा कम कर देती हूँ। सेलेक्ट किया मैंने इसको, थर्ड वाले ऑप्शन में जाके इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, यही कलर रख देती हूँ मैं इसका। अब इसकी मैं विड्थ इंक्रीज़ करती हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख लेती हूँ जो टेक्स्ट मैंने लिखना है इस शेप के अंदर। ये देखें, टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं और इटैलिक। इसके अलावा स्ट्रोक में जाके इसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। ये देखें, अब मैं एक और शेप लेती हूँ। ये शेप मैंने ले ली, इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर देते हैं और इसको यहाँ एडजस्ट कर देती हूँ। फिर थर्ड वाले ऑप्शन में जाके शेप के कलर को चेंज करना है हमने, इनेबल किया मैंने इसको। अब मैं ऐसा कलर को ये रखती हूँ, ये कलर रख लेती हूँ और इसी तरह मैं इसकी विड्थ भी इंक्रीज़ करती हूँ। स्ट्रोक में जाके इसको मैंने इनेबल किया, ये देखें। अब मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देती हूँ इस शेप के अंदर। ये टेक्स्ट मैंने लिख लिया, इसके अंदर एडजस्ट करती हूँ अब इसको मैं। टेक्स्ट के कलर को चेंज करते हैं, उसके बाद इसके फॉन्ट को
इसको बोल्ड और इटैलिक कर लेते हैं। इसके बाद इसकी स्ट्रोक को स्ट्रोक की विड्थ को इंक्रीज करते हैं। अब मैं एक और शेप लूँगी, सॉरी शेप पे जाएंगे, यहाँ से मैं कोई और शेप ले लेती हूँ। ये ले ली मैंने, इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। सेलेक्ट किया, इसकी शेप चेंज करते हैं, कलर इसका ये वाला कलर रख लेती हूँ मैं। स्ट्रोक में जाके इसकी विड्थ को इंक्रीज करते हैं। आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, ये टेक्स्ट लिख लिया हमने। शेप को चेंज नहीं करना, टेक्स्ट को हमने शेप को इतनी रहने देते हैं। टेक्स्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। उसके बाद हम इसकी स्ट्रोक की विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं। प्लस में जाके एक और शेप लेंगे हम, साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि यहाँ एडजस्ट हो जाए। कलर चेंज करेंगे शेप का, यहाँ पर कलर हम यहाँ पे हम ये वाला कलर रख लेते हैं। स्ट्रोक में जाके इसकी विड्थ को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर आप जो टेक्स्ट लिखना है शेप के अंदर वो लिख लेते हैं। साइज को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है कि हमारी शेप के अंदर आ जाए। शेप के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब हमने फॉन्ट पे जाना है, बोल्ड पे जाएंगे, इटैलिक में करेंगे इसको, स्ट्रोक में जाएंगे इसको इनेबल करेंगे। ये देखो, हम मैंने ये जो आपके सामने शेप्स को लिए, डिफरेंट शेप्स को लेकर हमने पोस्ट डिज़ाइन करनी है। इसी तरह आप लोगों ने पांच पांच पोस्ट बनानी है डिफरेंट शेप्स को लेकर, और फिर इसी तरह कल आपने मुझे सबमिट करवाना है। जब मैं आप लोगों को लेक्चर दूंगी, उसे लेक्चर को भेजने से पहले मैं आप लोगों का काम चेक करूंगी। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप लोगों को इसकी समझ में आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काम था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।